परसों प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मूलभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बैठक हुई और बताया गया कि हजारों करोड़ रुपए के निर्णय उसमें किए गए कि बिजली के क्षेत्र में, सिविल एविएशन में, पोर्ट में, रोड्स में ऐसा कुछ अब कर दिखाना चाहता है यूपीए कि आज तक जो नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि दिस मच हाइप्ड मीटिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट विल प्रूव ए नॉन स्टार्टर। एक तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि $1 trillion की जरूरत है, लाखों करोड़ों रुपए की हम बात कर रहे हैं, और इतनी बड़ी आवश्यकता जब है आने वाले दिनों में, तो पहला सवाल यह पैदा होता है कि इतना पैसा कहां से और सरकार कैसे जमा करेगी, इसकी कोई योजना नहीं है। यहां तक कि उस बैठक में वित्त मंत्री भी मौजूद नहीं, और यह खुलासा किया गया, बिजार एक्सप्लेनेशन वॉज ऑफर्ड, कि इस बैठक में वित्त मंत्री की जरूरत ही नहीं थी, बिना वित्त के आप योजना करोगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का प्लान नहीं दोगे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैठक में तय हुआ वो तुरंत हो जाएगा AICC बैठक के बाद, ऐसा समझना बिल्कुल गलत होगा। और उसमें रेल मंत्री भी नहीं आए, उसमें रेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की चर्चा हुई और रेल मंत्री गायब, नदारद। कितना कोएलिशन, हाउ इट इज फ्रजाइल, एंड इट्स इट शोज ऑल्सो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पीएम्स अथॉरिटी। प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए, उसमें वित्त मंत्री को बुलाएंगे ही नहीं और रेल मंत्री आएगा ही नहीं, तो क्या पीएम की अथॉरिटी और क्या कोएलिशन की स्थिति है? और इसलिए ये जो देश को भरोसा देना चाहते हैं वो खोखला है, उसमें कुछ होने वाला नहीं। और उसकी कुछ चीजें केवल मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा कि हम 9000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे नए सिरे से एक साल में, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है? एनडीए ने 11 किलोमीटर रोज सड़क निर्माण का काम करके दिखाया, यूपीए ने 22 किलोमीटर का आश्वासन दिया और रोज 5 किलोमीटर भी नहीं हो रहा है, ये स्थिति है। अब जो 8 साल में नहीं हुआ वो आगने वाले 300 दिन में हो जाएगा, ये कैसे भरोसा करें और किसके सहारे करें? पता है आपको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 2 साल से चेयरमैन है ही नहीं, उसकी नियुक्ति भी जो नहीं कर सकती, राष्ट्रीय सड़क महामार्ग विकास प्राधिकरण जो है उसके जो अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष का जो सरकार नियुक्ति नहीं करती 2 साल, वो सरकार क्या खाक सड़क बनाएगी? उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 18,000 मेगावाट की बिजली निर्माण करेंगे। अरे भाई, 20,000 मेगावाट के हाइडल पावर के एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे सकी ये सरकार। यानी विद्युत निर्माण की जो योजनाएं तैयार है उसको मान्यता नहीं मिल रही है, इस सरकार के एक विभाग दूसरे विभाग को मान्यता नहीं दे रहे। अब ये क्या निर्माण करेंगे? कोल लिंकेजेस नहीं है, अभी 15,000 मेगावाट के बिजली संयंत्र तैयार है लेकिन उनको कोयले के अभाव में बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है, और यह हमें आश्वासन दे रहे कि 18,000 मेगावाट पैदा करेंगे बिजली। और आपको पता होना चाहिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत निर्माण का टारगेट, लक्ष्य पहले ही कम है। द टारगेट ऑफ 12th प्लान इज लेस देन 11th प्लान। इन्होंने कहा है कि आंध्र में और एक जगह 2 अच्छे बंदरगाहों का निर्माण करेंगे, पोर्ट्स का निर्माण करेंगे, लोगों को लगेगा अच्छी चीज है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि पिछले 7 साल में लगातार बजट में जितना भी निधि, जो फंड्स विच आर मेड अवेलेबल थ्रू द बजट फॉर द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर गेटिंग लैप्स्ड।
यानी पोर्ट के विकास के लिए जितना निधि पहले ही कम दे रहे हैं, हमारा कहना है, लेकिन जो भी दे रहे हैं उसका भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे भरोसा देंगे कि साल भर में 2 बंदरगाहों का निर्माण करेंगे? रेल की बात की, जिसमें रेल मंत्री थे ही नहीं। आपको पता है रेल की 350 योजनाओं को मान्यता नहीं मिली अभी तक, और 400 योजना जिनको मान्यता मिली है उसका बिडिंग ही स्टॉल कर दिया है रेलवे ने। द बिडिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज स्टॉल्ड, द होल गवर्नमेंट इज स्टॉल्ड, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन कमांड, ही इज इन ऑफिस बट ही इज नॉट इन कमांड। और इसलिए रेल क्या कर रहा है ये उनको ही, पीएमओ को ही पता नहीं है। रेल में बिडिंग प्रोसेस बंद है, और इसलिए आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई में एलिवेटेड सबर्बन ट्रेन की बात कर रहे हो, और ये कागज पर भी नहीं है प्लान, ये केवल हवा में बात है, कागज पर नहीं है, और शुरू तो हुआ ही नहीं है, कैसे कंप्लीट होगा? और जो जम्मू श्रीनगर अटल जी ने शुरू किया और 2 साल में बहुत गति से आधे से ज्यादा काम पूरा किया, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से दिल्ली का प्रधानमंत्री ने 6 साल पहले शिलान्यास किया, क्या हुआ उसका? तो 6 साल का, 8 साल का यूपीए का रिकॉर्ड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत ही अनदेखी की है, इनमें परमिशन नहीं थी, एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है दूसरे को पता नहीं। देयर आर सो मेनी रीजंस, दिस इज द फैक्ट शीट ऑफ द स्लगिश इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अंडर यूपीए। नो बिग डिसीजन इज टेकन इन द सेड मीटिंग एंड सो देर इज नो होप ऑफ प्रोग्रेस ऑन द चार्टर्ड कोर्स। और आज जो आर्थिक संकट है उसके लिए सरकार ने क्या कहा कि भाई यूरो जोन का क्राइसिस है। अब पहले कह रहे थे प्रणब मुखर्जी 3 बजट भाषण में 2008 से देखो, वो कह रहे थे, खुद की पीठ थिपथिपा रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के मंदी के संकट से अलूफ है, इंसुलेटेड है। अब वो इंसुलेशन का क्या हो गया? और इसलिए वो नहीं हुआ है। और कह रहे हैं कि बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ी है, एक्चुअली कम हुई है, $120 से $90 तक नीचे आई है। तो ये सरकार जो कारण दे रही है गलत है। द रियल रीजन इज इट इज द बैड ग्रोथ मिक्स, इट इज द हायर डेफिसिट एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स, डिक्लाइनिंग सेविंग्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग, स्लो डाउन इन डिसीजन एंड अप्रूवल्स, डिले इन रिफॉर्म्स, इट्स अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, इन डिसीजन, कॉन्ट्राडिक्शन विद इन द कैबिनेट, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द गवर्नमेंट, कपल्ड विद द कोएलिशन कॉन्ट्राडिक्शंस, is ruining any prospect of the semblance of the governance under UP. और इसलिए लास्ट हम ये कहेंगे कि NDA से एक कम महंगाई और ज़्यादा विकास दर की जो अर्थव्यवस्था इनको मिली थी विरासत में, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया, और अब ये the low inflation and high growth economy inherited by the UPA from the NDA have UPA has converted into a high inflation एंड लो ग्रोथ इकोनॉमी। इस सरकार में 2 चीजें ऊपर जा रही है, महंगाई और भ्रष्टाचार ऊपर जा रहा है। ग्राफ इज अपवर्ड्स, ग्राफ इज नॉर्थवर्ड्स, महंगाई और भ्रष्टाचार ऊपर जा रहा है, रुपए की कीमत और विकास की दर कम हो रही है, और इसलिए यह सरकार का केवल एक हवा में झोंका है जिसका कोई बुनियादी आधार नहीं है, और ये पूरा होने का बिल्कुल संभव नहीं है। इसके बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया है।